नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सलमान। हमारे एस के एन टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा पैन कार्ड ऑनलाइन के लिए। तो हमारे कुछ वेली और कुछ भाई लोगों को नहीं पता है किस तरह पैन कार्ड ऑनलाइन किया जाता है, जिससे आपको 3 से 4 दिन में पैन कार्ड मिल जाएगा आपको। मैं आज की वीडियो में बताऊंगा इसका पूरा प्रोसेस किस तरह बनेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट मेरे पास आया है कि पैन कार्ड मेरा फंस जा रहा है, कैसे बनेगा। जिनका अंगूठा नहीं लगा है, अंगूठा लग रहा है उनका कैसे बनेगा। तो मैं इसके तहत इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे मेरी गुजारिश है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कि मैं टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क की वेबसाइट को खोल के रख चुका हूँ, आपके सामने है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं खोल के। और यहाँ पे देख रहे हैं आप पेपरलेस पेन एप्लीकेशन, जो कि बिना कुछ भेजे, बिना किसी डॉक्यूमेंट भेजे बिना आपका पैन कार्ड 3 से 4 दिन में मिल जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। चलिए, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद इस तरह आपको खुल जाएगा। अब इस डिटेल्स को मैं भर के दिखा देता हूँ आपको, कैसे क्या भरना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सारी डिटेल्स मैं भर चुका हूँ यहाँ पे। सारी डिटेल्स भरने के बाद जो है, हमें सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। हम जब सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे तो हमें एक टेम्परेरी नंबर मिल जाएगा, जो कि आपको नोट कर लेना है। इस नंबर मिल जाएगा टेम्परेरी नंबर, जिसको नोट कर लेना है। नोट करके इसको हम कंटिन्यू पैन एप्लीकेशन फॉर्म पे जा सकते हैं। अब देखिए, खुल गया डिटेल्स पूरी। अब यहाँ पे अगर आपको ऑनलाइन ई केवाईसी करना है, जो कि बिना डाक पेपरलेस काम फॉर्म भरना है, आप इस पर सबमिट करिए। या तो अगर डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप ई केवाईसी करेंगे तो आपका चार्ज जिसमें जो है 20 रुपये कुछ पैसे पड़ते हैं, और फिजिकली डॉक्यूमेंट अगर क्लिक करेंगे तो आपका 14 रुपये 62 पैसे चार्ज करते हैं, जो कि 4 रुपये कुछ पैसे इसके गेटवे चार्ज है, पेमेंट गेटवे का चार्ज है। देखिए, इसमें आपको कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं देना है, सिर्फ यहाँ पे आप आधार नंबर अपना उनका दे दीजिए जिनका है। आधार नंबर देने के बाद आप यहाँ पे फीमेल फीमेल सेलेक्ट कर लीजिए। एड्रेस सब करते हैं, आपको भरना नहीं है, एड्रेस से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सिर्फ पिता का नाम जो है, पिता का नाम दे दीजिए। देने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे हो जाने के बाद आपको इधर तो प्रोसेस मालूम होगा, नो इनकम। एड्रेस भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ नहीं भरना है आपको। सिर्फ यहाँ पे कंट्री कोड सेलेक्ट कर लीजिए इंडिया का, और बस नेक्स्ट कर दीजिए। आपका एरिया कोड जो भी रहता है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करके आप जो है यहाँ पे चूज कर सकते हैं। इसका आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे आ चुका है। आप यहाँ पे जो आपका कोड हो, एरिया कोड, उस पर आप सिलेक्ट कर लीजिए, और फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। देखिए, हो गया। अब यहाँ पे सब आधार आधार हो गया है, आपको हिमसेल्फ हरसेल्फ कर देना है, और यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस देना है एड्रेस दे दीजिए। एड्रेस देने के बाद जो है आप इसको सबमिट कर दीजिए। आप इसको सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट चार्ज इसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप लोग इतना समझ लीजिए, इसका अभी आगे प्रोसेस है, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मेरा मैक्सिमम मैं वीडियो का कैपेसिटी सिर्फ 5 मिनट है। अभी इसमें 5 ही मिनट तक मैं वीडियो बना सकता हूँ, इसलिए मैं आगे का प्रोसेस अगली वीडियो बना दूंगा। बिल्कुल, आप इतना डिटेल्स भर के आप आसानी से काम कर सकते हैं इसको। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी करिए, ताकि उनको भी पता चले कैसे क्या होता है। चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।